बनी संख्या दो अंकों से बनी संख्या और एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यही टफ लग रहा लैंग्वेज, अब ध्यान दीजिए। तो अब दो अंकों संख्या जगो, दो अंक जब भी आए संख्या माने संख्या कौन सी है, संख्या यहां पर है एक एक्स है एक वाई है। जब दो अंक संख्या पूछा जाए, दो अंक संख्या देखो तो दो अंकों की संख्या जब भी इसे लिखना हो बेटा दो अंकों संख्या, तो एक को मान लेना क्या 10x + y, मतलब होता नहीं इकाई जो भी आए इकाई है दहाई है, तो एक हो गया पहला नंबर एक हो गया दूसरा नंबर, दो अंकों की संख्या ऐसे लिखेंगे करें को पलटने पर क्या हो जाएगा 10y + x हो गया नहीं, दो अंक संख्या ये है उनको पलटने पर ये हो गया कहीं मेरे को जोड़ा गया बड़ी संख्या को योग 66 है, मतलब क्या 10x + y को प्लस 10y + x को जो जोड़ा गया कितना आंसर आया बेटा 66 आया, 10 और एक 11, 11x 10 और 11 11y = 66। ध्यान दो सबसे सब ग्यारह कर सकता है, 11 से कितना आएगा, यहां 11 कर दो यहां भी 11 कर दो यहां भी 11 कर दो, कितना आंसर आएगा 1 आएगा बेटा, 1 आएगा यहां कितना आएगा 6 आएगा, मतलब x + y = 6 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड दिया गया यदि संख्याओं का अंतर दो है, संख्या मर रही तो था अंतर मतलब क्या घटाया गया, तो x - y = क्या है 2 है, मतलब x - y = 2, ये सेकंड हो गया। अरेंजमेंट में पहले तो ये हो गया पहले क्या दूसरा ये हो गया सिंपल, धन दोनों प्लस माइनस कट जाएगा आपस में कितना है बेटा पर 2x = 8 हो गया, यहां पर 2x = कितना है बेटा 8 आया है, x = 8/2 2 4 = 8 x = 4 बोलो y निकालो, y फर्स्ट में रखे जा रहे हैं तो x का मान क्या रखेंगे फर्स्ट में, x का मान फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट ही तो बेटा मेरा आ तो गया होगा आई थिंक, y = 2 पक्का 2 हो गया। अब हमारा तो वो संख्या कौन कौन सी है, एक संख्या है आपका 8 जो संख्या क्या है 2 सॉरी 4 और 2 पक्का बंदो